बहन राधे राधे। नवरात्रि का दूसरा दिन है तो क्या क्या किया आप सभी ने जरूर बताइएगा। और मैंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना छोड़ दिया है क्योंकि मैं गुड इवनिंग में ब्लॉग कर रही हूँ, पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि आप गुड इवनिंग में कर रहे हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब सिर्फ हेलो एवरीवन और राधे राधे किया जाएगा। क्यों मम्मी? आज मैं यहाँ बैठी हूँ मम्मी के साथ, बहुत बड़ी विपदा है। किसके ऊपर? हम तीन महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी विपदा है। उस विपदा पे आज चर्चा करेंगे। खिन्ना, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पे बहुत बड़ी विपदा। तो मम्मी कह रही की हो गए, सब ठीक तो छे? मैं कहा बताएंगे अभी। तो हमारी विपदा है ये ऊपर वाला, ये ज्यादा ऊपर वाला नहीं, ये पंखा। हम तीनों लेडीज को और हमारे जो वो हैं तीनों के वो मतलब हमारे ससुर जी, हमारे पति देव और हमारे देवर जी, तीनों को बिना पंखे के चलता है या फिर पंखे को ऐसे रुला दिया जाए तो चलता है। नहीं तो वहाँ देखिए आप, स्वेटर रखा हुआ है पापा का, स्वेटशर्ट रखी हुई है जो पापा अभी पहनेंगे क्योंकि मम्मी ने 3 पॉइंट पे फैन चला रखा है, 5 पे चलता है आप सभी को पता है। यहाँ 3 पे चल रहा है तो भी पापा वहाँ खाना खा रहे हैं बिना पंखे के। और मेरे साहब हैं वो सारा दिन ऑफिस करते हैं कमरे में, ऐसे करके पंखे को रुला देते हैं रोपे। तो चाचू आते हैं तो चलता ही, चाचू आते हैं तो चलता ही नहीं है। यानी थोड़ी बहुत उनको गर्मी लगती है, उसके बाद उन्हें उनको गर्मी लगती है लगती, लेकिन उनको अभी स्टार्टिंग के पंखे की हवा जो है वो नुकसान ही कर जाती है। तो बहुत बड़ी टेंशन है। तो आप लोग भी प्लीज इस पे बताइए कि क्या करना चाहिए जब जोड़े में ये एक ऐसा, एक सर्दी वाला एक गर्मी वाला हो जाता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो मम्मी कैसे मैनेज करती है वो मम्मी बताएंगी। मम्मी बताते हो राधे राधे कर तो की कोई चीज है ऑल आउट। हां ऑल आउट पापा के की कह दे छथिन, पापा के स्वेटर पे आ दे छी। तो मम्मी का ये तरीका है कि ऑल आउट लगा लेंगी मच्छर के लिए, पंखा चला लेंगी निश्चिंत, और पापा को स्वेट शर्ट दे दी जाएगी, और अगर गर्मी तो उसमें ज्यादा लगे तो एक बेडशीट कवर, बेडशीट दे दिया जाए। तो मम्मी ने तो अपना तरीका बता दिया। तो पापा जो है वो चल जाता है तो अपना पहन लेते हैं, कहते हैं क्या करें कोई उपाय नहीं है, कहाँ जाएं, है ना। तो चलते हैं छोटी के पास इस विपदा का पूछने की वो क्या करती है। और शुभि भी जगी हुई है तो मैं उनसे भी, शुभि से भी मिलवाती हूँ। शुभि हम आ गए, देखो 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 देखो, शुभि दिखा रही है। शुभि हाय, शुभि एक वाली हंस दो तेज से, पुच्चू वाली हो गई है, पुच्चू करके हंसती है। देखो इसे, जब भी इसकी वीडियो बनाने आओ उल्टा होके बैठ जाती है। मैं दिखाती हूँ शुभि ने कितनी क्यूट क्यूट ड्रेस पहनी है, देखिए। देखो कितनी प्यारी लग रही है शुभि। आ जाओ शुभि की मम्मा, ये शुभि की मम्मा भी आ गई। देखो उधर देखो, देखो 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 भाई जी, भाई शुभि ले लो हमारी ब्लॉग में। मम्मी से पूछते हैं कि शुभी के पापा के साथ वो कैसे करती हैं मैनेज। तो जो पंखे का दुख है ना, अभी अभी तो पापा है नहीं तो चल रहा है बढ़िया से पंखा भाई। अभी तो देवर जी के आते ये भी रोने लगेगा, है ना। तो कैसे काम चलाती हो? मम्मी ने बताया कि वो तो पापा को स्वेटर पहना देती है। शुभि आप क्या करती हैं? हमारे वाले मानते नहीं, हमें ज्यादा गर्मी लगती तो हम बाहर चले जाते हैं। तो आप सभी ने सुन लिया, तो मैंने बिल्कुल सही, आज का जो हमारा मुद्दा था ना वो बहुत अच्छा टॉपिक था मेरे पास, क्योंकि गर्मी लग रही थी और आज पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो शॉप पे गए नहीं, आज सारा दिन वो घर पे है। तो आज सारा दिन ये तमाशा चल रहा है कि पापा अंदर और मम्मी कभी इस कमरे में, कभी बच्चों वाले रूम में, कभी ड्राइंग रूम में पंखा चला चला के आराम कर रही थी। तो मेरे को चल रहा था दिमाग में कि आज जरूर हम आप सभी के साथ ये टॉपिक शेयर करने वाले हैं कि ये जो चढ़ती गर्मी और उतरती गर्मी में जो हमें पंखे को मैनेज करना पड़ता है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक के साथ नहीं है ये, तीनों के साथ है। तो इसने क्या बताया, पापा से भी मिलवाया जाए फिर, कि बउआ नहीं मानते हैं, वो ना तो चद्दर ओढ़ेंगे ना गर्म कपड़ा पहनेंगे, तो यही उठ के बाहर चली जाती है ठंडा के, फिर आ जाती है। क्यों? मैं यही करती हूँ। मेरे भाई की भी तबीयत खराब है तो मैं तो पैर हाथ गीले कर लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ चैन से। वाह ये भी ठीक है, लेकिन केशव कार्तिक को प्रॉपर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अभी केशव को फीवर है तो इस वजह से। अच्छा बाबा कुछ कह रहे हैं,
अब मेरी बारी आएगी लास्ट में मेरा टर्न आएगा ना। मम्मी का हो गया, तुम्हारा हो गया, अब मेरा मैटर है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे बेटे पहले शुभी से फ्री हो जाए फिर बताऊंगी। तो मेरे साथ मेरा सॉल्यूशन कैसे होता है, तो मेरा सॉल्यूशन ऐसे होता है कि मैं आधा दिन तो मेरा इधर उधर ही निकल जाता है भाई। मैं बच्चों वाले बेड पे मैनेज कर लेती हूँ। रात में ना तो बिल्कुल कम पे ना बिल्कुल फुल पे, मीडियम पे 4 पॉइंट पे हम पंखा चला लेते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं। फुल लोअर और टी शर्ट हाफ में वो काम चला लेते हैं। अब जब स्टार्टिंग में फैन स्टार्ट हुआ था तो वो स्वेट शर्ट पहन रहे थे काफी दिनों तक, है ना, काफी दिनों तक फुल टी शर्ट भी पहनी उन्होंने कि भैया ये पंखा चलाएगी मैं तो बीमार हूँ। ये क्या होता है बदमाश लड़की आप बोलिए तो मेरे साथ ये होता है कि मैं सारा दिन उनको रूम में रहने देती हूँ, क्योंकि हमारे रूम में सिर्फ रूम ही नहीं है ऑफिस भी है। तो क्या होता है कि वो ऑफिस चलता रहता है, मैं सारा दिन पंखे में रह लेती हूँ। मैं सबसे ज्यादा ड्राइंग रूम में रह लेती हूँ। जब तक कूलर और एसी स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक हम लोग जो है पंखे के चक्कर में जो है सारे घर में फिरते रहते हैं। क्यों? तो आप सभी प्लीज जरूर बताइएगा इस टॉपिक पे कि आप सभी के जो कपल्स हैं, आप सभी का जो पेयर है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग देख रहे हैं जो भी हमारा ब्लॉग, वो दोनों एक जैसे हैं, गरम गरम हैं, हॉट हॉट हैं, दोनों को गर्मी लगती है, या दोनों ही कूल हैं, कम पंखे में दोनों को अच्छा लगता है, या हमारे वाला हाल है एक उल्टा है ना। तो ये पूरा पश्चिम वाला मामला है, दो पटरियों वाला मामला है, क्या है प्लीज बताइएगा, है ना। और शुभी को तो आप देख ही रहे हैं, कितना भी मैडम का पेट भरा रहेगा अंगूठा चला जाएगा मुंह में। शुभी देखो इधर देखो वो देखो उसकी फेवरेट आवाज निकालना एक बार। ये देखो एक्शन शुभी, ये है जी बहुत सारी प्यारी आवाजें को, मतलब प्यार से कैसे भी कुछ कर लो लड़की हमारी मुस्कुरा देती है, है ना। और क्या बोलते हैं उसको, पंखा तो पंखा है आज का हमारा मुद्दा टॉपिक। वीडियो का टाइटल होगा पंखा। तो आज के मुद्दे को तो खत्म कर दिया, वो तो एक साइड में रख देते हैं। बाकी नवरात्रे में आप सभी क्या क्या करते हैं? तो हम तो बस ये एक्चुअली ये वाले नवरात्रे में ना हम लोग वो अखंड ज्योत वगैरह नहीं जलाते हैं, वो बस सुबह शाम को आरती कर ली, एकाध भजन माता रानी की अभी जो है वो नहीं गा रही हूँ मैं। एक्चुअली होता क्या है कि कीर्तन वगैरह कहीं पे होते हैं जाते हैं तो एक रौनक सी लगती है। हम सोसाइटी में हैं, यहाँ कोई कीर्तन आसपास में उतना कराते ही नहीं है, तो जहाँ दूर दूर होते हैं वहाँ हम मैनेज नहीं कर पाते हैं घर और इसकी वजह से जाना। और मेरी मम्मी मतलब मायके में मेरी मम्मी जो है वो कीर्तन मंडली में है और वो रोज कीर्तन में जाती हैं और छोटी छोटी वीडियोस मुझे भेजती रहती हैं भजन की। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छा सा भजन जो है वो याद करके और आप सभी को नवरात्रों में जरूर सुनाऊं, एक नहीं दो चार सुनाने चाहिए मुझे। और कार्तिक से भी मैंने बोला है कि एक भजन सुनाए कार्तिक, तो कार्तिक कान्हा जी के भजन और शिव जी के जो भजन है वो ज़्यादा गाते हैं, तो माता रानी के भजन के लिए कार्तिक को सुनने पड़ेंगे, है ना। हम लोग भी घर में जैसे सुबह सुबह चलाते हैं ना तो कृष्ण जी का ही चला लेते हैं, बाके बिहारी के चला लेते हैं, तो इस वजह से बच्चों के माइंड में भी वही सब रहता है। हाँ यही सब भजन चलते हैं। तो माता रानी के लिए क्या होता है कि वो लेडीज जो होती है ना वो ज़्यादा वो माता रानी के भजनों को अच्छे तरीके से गाती हैं। आज सुबह मैंने चलाए थे लखा सिंह जी के, लखा सिंह है उनका पूरा नाम, लखा जी हैं, लखा, तो लखा जी जानते हैं हम तो भाई, उनकी आवाज़ सुन के तो माता रानी के लिए अलग ही वो आता है मन में, उमड़ता है कि जागरण में जाएं पूरी रात जागें। इधर देख के गाओ ना अच्छे से, आओ आगे आओ आ जाओ। तो लखा जी का नाम लेते ही कार्तिक को कुछ याद आ गया, तो मैंने कहा वही दो लाइन आप सुना दीजिए और कार्तिक की मधुर आवाज के साथ ब्लॉग को एंड कर दूंगी मैं। गाओ कार्तिक। देख मैं तुझको आज दिखाऊं, हनुमान जी ने सीना चीर दिया और जोर से बोले ले देख जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी दे बैठे हैं मेरे
देख लो मेरे दिल के नगीने में, ऊपर मुंह करके गाओ, मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बस इतना ही आता है? चलिए ठीक है, कार्तिक को इतना सही आता है तो कार्तिक ने इतना ही गा दिया। हम और भी कोशिश करेंगे कि नवरात्र जब तक चल रहे हैं तब तक स्पेशली दो लाइन ही सही पर भजन जरूर आप सभी को सुनाएं। आप सभी बताइएगा कि कौन सा भजन आप सुनना चाहते हैं, है ना, कार्तिक के मुंह से, और मैं भी कोशिश करूंगी कि भजन गाऊं। तो व्लॉग को एंड करते हैं। क्यों छोटी, खाना खाना बाकी है, डिनर बाकी है, अभी मम्मी पापा खा चुके हैं, हमारा बाकी है, इनके वो नहीं आए हैं अभी तक क्योंकि आज पापा घर पे हैं तो उनको थोड़ा सा लेट। देवर जी की उम्र मेरे बहुत लंबी है गाइस, तो वो आ गए हैं। और पापा के आने का सुन के ये देखो लाड करवाएगी ना, रोएगी तब ना पापा लाड करेंगे, है ना, है ना शुना। तो ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, रील्स को लाइक्स करिए शुभी के साथ, और मैंने भी बहुत फनी रील्स बनाई है, छोटी ने भी रील्स बनाई है, और इस चैनल को भी हमारे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। जय माता दी, नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। ओके, जय माता दी, जय माता दी।